छिंदवाड़ा और विदिशा लोकसभा सीटों की मध्य प्रदेश की सियासत में अहमियत किसी से छिपी नहीं है। विदिशा 1967 से जनसंघ का गढ़ रही तो छिंदवाड़ा ने 1977 की लहर में भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। छिंदवाड़ा की पहचान कमलनाथ से है तो विदिशा का नाम सीधे शिवराज सिंह चौहान से जुड़ जाता है। लेकिन 2019 के चुनाव में दोनों वीआईपी सीटों को नई पहचान मिल सकती है। पिता की विरासत आगे बढ़ाने के लिए दोनों परिवारों की नई पीढ़ी यहां से सियासी एंट्री कर सकती है। एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री कमलनाथ, दूसरी तरफ पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, दोनों का रिश्ता महज किस्सा कुर्सी का नहीं है। दिलचस्प रिश्तों की ये डोर विधानसभा से लेकर लोकसभा तक भी जाती है और सियासत में दोनों की अगली पीढ़ियों की एंट्री की संभावना भी जगाती है। पहले बात कमलनाथ की। कमलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं और बिना विधानसभा चुनाव लड़े मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं। यानी कमलनाथ को अब एक साथ दो काम करने होंगे, लोकसभा की सीट छोड़नी होगी और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए अगले 6 महीनों में अपने लिए कोई सेफ सीट तलाशनी होगी। माना जा रहा है ये सीट सौंसर हो सकती है। नहीं देखिए, छिंदवाड़ा का तो जहां तक है मुझे लगता है कि वो अपने बेटे नकुलनाथ को बहुत दिनों से चाह रहे थे कि उसको कहीं राजनीति में सक्रिय किया जाए, तो अब चूंकि मुख्यमंत्री बन गए हैं तो उनकी छत्र छाया में उनके बेटे को नकुलनाथ को से लड़ने और जीतने का एक अच्छा अवसर रहेगा। लेकिन सवाल उठता है कि 1977 में देश भर में कांग्रेस विरोधी लहर के बावजूद जिस छिंदवाड़ा ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा उसका क्या होगा? 9 बार जिस छिंदवाड़ा ने कमलनाथ को लोकसभा में भेजा उसकी आवाज कौन बनेगा? बड़ा सवाल ये होगा, कौन बनेगा छिंदवाड़ा का नया नाथ? इशारा आप समझ ही गए होंगे। माना जा रहा है कमलनाथ अपनी विरासत अपने लाडले बेटे नकुलनाथ को सौंप सकते हैं। इसके संकेत तभी से मिलने लगे थे जब कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस मौके पर कांग्रेस कार्यालय में मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, सुरेश पचौरी और दीपक बाबरिया जैसे दिग्गजों के साथ नकुलनाथ की कुर्सी भी लगाई गई थी। वो भी तब जब फिलहाल नकुलनाथ के पास पार्टी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके चलते वो कार्यक्रम केवल कमलनाथ की ताजपोशी ही नहीं सियासत में नकुलनाथ के लॉन्चिंग का आयोजन भी बन गया था। और वैसे भी छिंदवाड़ा की सीट जो है मैं कांग्रेस सिर्फ इसलिए जीतती है क्योंकि कमलनाथ, अब वो वाली सीट नहीं है जो कांग्रेस हमेशा जीतने वाली सीट थी, जो गार्गी शंकर मिश्र जो है 1977 की जनता पार्टी की लहर के बावजूद जो सीट बची थी दो, झाबुआ और छिंदवाड़ा, तो वो वाले हालात अब नहीं रह गए प्रदेश की किसी भी सीट की। तो उस दृष्टि से वो मुझे लगता है कि वो अपने बेटे को ही लड़ाएंगे। आपने जैसे कि छिंदवाड़ा के बारे में बात की, सन 80 से 2018 तक 38 वर्षों में सिर्फ एक चुनाव को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो यह सीट कमलनाथ की परंपरागत सीट है और उन्होंने छिंदवाड़ा को राष्ट्रीय परिदृश्य में उभारने का, पहचान दिलाने का काम किया है। कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और भारतीय जनता पार्टी की चुनौती को देखते हुए कमलनाथ अपने तजुर्बे के कारण, अपने कौशल के कारण एकमात्र शख्सियत हैं जो कांग्रेस की सत्ता को यहाँ पर आसानी से जिसका निर्वाह कर सकते हैं। ऐसे में कमलनाथ के बजाय छिंदवाड़ा से मुमकिन है कि नया चेहरा उभरे और वो नया चेहरा जैसी की संभावना है कमलनाथ के परिवार से कोई सदस्य, कोई चेहरा होगा और बहुत मुमकिन है कि छिंदवाड़ा से हम कमलनाथ की अगली पीढ़ी यानी उनके पुत्र को प्रत्याशी के तौर पर देखें। जो कहानी छिंदवाड़ा की है वही विदिशा पर भी फिट बैठती है। मौजूदा सांसद सुषमा स्वराज अगला चुनाव लड़ने से इनकार कर चुकी हैं। ऐसे में विदिशा का टिकट बीजेपी के किस नेता की झोली में गिरेगा, ये मिलियन डॉलर वाला सवाल बन गया है। मध्य प्रदेश की सत्ता गंवाने के बाद शिवराज सिंह चौहान इस सीट के सबसे प्रबल दावेदार बन गए हैं। विदिशा से शिवराज का रिश्ता 1991 से है जब वो पहली बार यहां से सांसद बने थे। इसके बाद तो शिवराज जैसे विदिशा के अजय योद्धा बन गए। साल 2005 में मध्य प्रदेश की सत्ता संभालने से पहले तक शिवराज ने विदिशा से लोकसभा के लगातार 5 चुनाव जीते। जाहिर तौर पर अगर मोदी सरकार में उनकी कोई भूमिका तलाशी जा रही है तो लोकसभा जाने के लिए शिवराज के लिए विदिशा से बेहतर कोई दूसरी सीट नहीं हो सकती। अब सुषमा स्वराज जी वाली सीट की बात आती है तो यहाँ पर विदिशा जो है ये परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी की सीट है। यहाँ मतलब कभी इंदिरा गांधी की लहर होने के बाद है ना, जब जनता पार्टी की सरकार का पराभव हो गया था
वो और इंदिरा जी की निधन के बाद जो लहर है वो दो बार ही वहाँ से कांग्रेस जीती है, 80 से 85 और 85 से 90 प्रताप भानु शर्मा दोनों बार। तो वो परंपरागत सीट है बीजेपी की, इसलिए उस पर कई लोगों की निगाहें लगी हैं। वो एक अनार सौ बीमार वाली स्थिति वहाँ पर विदिशा में हो चुकी है। देखिए, पांच राज्यों के नतीजे जिस ओर संकेत कर रहे हैं उसके बारे में काफ़ी बातें हो चुकी हैं, और सन 2019 में लोकसभा के चुनाव इस देश के लिए बहुत मायने रखते हैं, विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो इस वक्त सत्तारूढ़ है। श्रीमती सुषमा स्वराज ने विदिशा से चुनाव न लड़ने का फैसला बहुत निश्चयात्मक तौर पर बता दिया है, और इस बात के बिल्कुल आसार नहीं है कि वो आगामी चुनाव में विदिशा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार होंगी। अतीत में मध्य प्रदेश के निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से अनेक बार सांसद रह चुके हैं, और मुझे लगता है कि किसी नए चेहरे को उतारने के बजाय भारतीय जनता पार्टी वहाँ से शिवराज सिंह चौहान को चुनाव लड़ा सकती है। परंपरागत सीट से शिवराज सिंह चौहान के लिए जीत हासिल करना कठिन नहीं होगा, और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ वर्चस्व अक्षुण रहेगा। मुमकिन है कि इस बीच उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया जाए ताकि वे एक पावर सेंटर के तौर पर उभरें और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता के समक्ष कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में संतुलन बना सकें। लेकिन इस कहानी में एक पेंच भी है। शिवराज विदिशा से खुद चुनाव लड़ने के बजाय अपने बेटे कार्तिकेय की सियासी पारी भी शुरू करवा सकते हैं। इस संभावना को आसानी से इसलिए भी खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि 13 साल तक सीएम की व्यस्तता के बीच शिवराज की गैर मौजूदगी में कार्तिकेय ही बुधनी में पार्टी के कार्यक्रमों के साथ साथ अपने पिता के चुनाव प्रबंधन का काम भी संभालते रहे हैं। छिंदवाड़ा और विदिशा की गिनती मध्य प्रदेश की वीआईपी सीटों में की जाती है, इसलिए इन सीटों को लेकर सियासी दांवपेच खूब खेले जाते हैं। ऐसे में नकुलनाथ और कार्तिकेय सिंह का सियासी डेब्यू हकीकत से दूर भले ही लगता हो, लेकिन इसकी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। डेस्क रिपोर्ट, TNN।